क्या फ़ायदा अभी से पढ़ाई करने का, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे। यूट्यूब वाले तो फर्जी बोलते हैं, उनका तो काम ही यही है व्यूज़ पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए बस अपडेट देते रहते हैं। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उस दिन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी से हम ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो हमको पचेगा नहीं। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिवलेंट एजुकेशन। तो आपने थंबनेल में ये देखा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा ही सोचते हैं कि यूट्यूब वाले वैकेंसी की अपडेट दे रहे हैं, क्या पता वैकेंसी आए ना आए, जब आएगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। आपको मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं इससे पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि 2020 से वैकेंसी नहीं आएगी, 2021 में आएगी, और जब वैकेंसी आएगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी से हम क्यों पढ़ना शुरू करें, हमारा मन, हम क्यों पढ़ें? तो ठीक है, बिल्कुल आपका जो मन है आप वही कीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जिनको वाकई जो जॉब के लिए सीरियस हैं, वो उनके लिए मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो पेसिमिस्टिक हैं, जो नेगेटिव हैं, उनको तो कोई नहीं समझा सकता फिलहाल। आप लोगों में जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं अपकमिंग वैकेंसी की, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, ये देखिए, जिससे मैंने बताया था कि आप एआरओ की तैयारी कैसे करेंगे, इसे मैंने स्ट्रेटजी बताई थी और बताया था कि आपको कंप्यूटर और इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए, और जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि आप मैक्सिमम मार्क्स कितना ला सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आप कितना ला सकते हो, देखिए मैंने इसमें ग्रुप सी और डी के बारे में भी बताया था कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और उसको क्लिक करिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बार बार एक ही बात बताना, आपको पता है जब वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है तो एक ही बात क्यों बताया जाए। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है और बताया कि आपको कंप्यूटर और इंग्लिश कैसे पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आपकी एआरओ की वैकेंसी और आपकी ग्रुप सी और डी की वैकेंसी जल्द आएगी। ठीक है, ग्रुप सी और डी की वैकेंसी मैंने आपको बताया कि पहले आएगी, ठीक है, अगस्त लास्ट तक आएगी, और मैंने एआरओ के बारे में भी आपको बताया कि एआरओ की वैकेंसी भी आपकी लास्ट तक आएगी इस साल की। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको जल्द देखने को मिलेगी, और जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है उस हिसाब से आपको पता है कि अभी से लग जाना है, 4-5 महीने 6 महीने की तैयारी आपको चाहिए, जिस हिसाब से जीएस का लेवल आ रहा है एग्ज़ाम में। आप लोगों से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आरओ का एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने जीएस का लेवल देखा है, उन्होंने इंग्लिश का लेवल देखा है। ठीक है, हिंदी ईजी आई थी, यूपी स्पेशल ईजी आया था, रीजनिंग आपकी ईजी आई थी, उससे कोई मतलब नहीं, जीएस आपका मेजर पोर्शन है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जीएस में रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका जीएस ही मेन है, प्लस इंग्लिश, क्योंकि 100 से ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, तो 150 क्वेश्चन का खेल यहीं पे है। तो एटलीस्ट आप इंग्लिश अपनी अच्छी करें, जीएस अपनी अच्छी करें। ठीक है, 5-6 महीने लगता है तैयारी का, तो अभी से आप पढ़ना शुरू करिए। जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जो सीरियस नहीं है, वो तो अब आपको जो भी करना है आप करिए। ठीक है, आपके मन के ऊपर है, आप आज़ाद हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, तो कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुई और बोले भाई इस तरह तो तुम 200 में से 200 पा जाओगे, और कुछ लोगों ने कहा कि सर इंग्लिश में 46-45 पाना इम्पॉसिबल है, कैसे आएगा जिस हिसाब से लेवल आ रहा है। तो भैया आपको 4-5 महीने क्यों कहा जा रहा है, आपको मैं अभी से क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। जब आप एग्ज़ाम के एक महीने पहले पढ़ना शुरू करोगे तो आप पाओगे ही 30 नंबर 32 नंबर 35 नंबर। भाई आपको बताया क्यों जा रहा है, आपको 2-3 महीने पहले से मैं बता रहा हूँ कि तैयारी शुरू कर दीजिए, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में 35 पाते थे तो आप मेहनत करोगे तो 40 तक पहुँचोगे, अगर आप और मेहनत करोगे तो 42 तक पहुँचोगे, अगर आप और मेहनत करोगे तो 45-46 तक पहुँचोगे। और रही बात कि भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है, 200 में से 200 की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतनी लाइए, कैपेसिटी से ज़्यादा लाइए, औकात पार करिए अपनी। ऑलरेडी मैंने आपको मोटिवेशनल वीडियोस प्रोवाइड किए हैं कि अगर आपकी औकात नहीं है तो आप अपनी औकात बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मेरे चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मिलते हैं, जिनका जोश ठंडा हो जाता है
पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये देखिए अपनी लाइफ में बहुत कम मौके मिलते हैं अपनी औकात दिखाने के। तो आपको मौका मिला है अपनी औकात दिखाने का, तो अपनी औकात दिखाइए और अपनी औकात पार भी करिए, ताकि लोग कहें कि हाँ उस बंदे में दम है। कब तक सुनेंगे आप लोगों की? ये वाला वीडियो आप देखिए, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत अच्छी बात बोली है चेतन भगत ने। इसने यार 1-2 साल का मौका है आपके पास, 1-2 साल है आपको, 1-2 साल करो मेहनत, अच्छे से मेहनत करो, पार करो अपनी औकात, ले लो सिलेक्शन, फिर हर जगह आपकी इज्जत हो जाएगी। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। पहले से आप हार मान के बैठ गए कि हम कैसे 46 नंबर लाएंगे, हम कैसे 170 नंबर लाएंगे, इम्पॉसिबल है हमारे लिए। अभी तक आपके कितने आते थे? अभी तक आपके 140 आते थे, अभी तक आपके 150 आते थे, बस अब आपको 160 170 नंबर लाना है, 20 नंबर आपको और लाना है। लेकिन उस 20 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप 100 से 110 ईजिली ला सकते हो, 100 से 110 लाना ईजी है, 110 से 120 लाना भी ईजी है, लेकिन 140 से 160 लाना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 140 से 160 लाना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी 160 से 170 लाना बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो इसीलिए पहले से बताया जा रहा है कि 4-5 महीने पहले से, 6 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी तो आएगी ही, जब वैकेंसी खाली है, जब अपडेट वहाँ से मिल रही है, ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हाँ वैकेंसी आने वाली आने वाली, आपको भरोसा नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ भी दिखाए हैं कि मेरा जो भी न्यूज़ मैं देता हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़ मिलती है वो सटीक होती है, जेन्युइन होती है। आप देखिए 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एडमिट कार्ड आया था टाइपिंग का, आरओ का, किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताया था। सब बता रहे थे कि कोरोना चल रहा है, उल्टा सीधा तरह तरह की बात है, लेकिन मैंने बताया था कि हाईकोर्ट टाइम नहीं देगा आपको, नहीं देगा नहीं देगा। और जुलाई लास्ट में टाइपिंग होगी, देखिए जुलाई लास्ट में टाइपिंग करवा रहा है 29 जुलाई को। और जो बच्चे सीरियस नहीं थे, मजाक में जो हल्के में ले रहे थे, अब 1 हफ्ते बचा हुआ है टाइपिंग के लिए, अब वो परेशान है कि सर क्या करें क्या क्या करें। मैं आपको 3-4 महीने पहले से चिल्ला रहा था कि टाइपिंग शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए, टाइपिंग आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आरओ में सिलेक्शन नहीं भी हुआ स्टेज 1 में, तो एआरओ में आपकी टाइपिंग काम आएगी। तो ये वाला वीडियो आप देखिए, और अगर आपका जोश ठंडा हो रहा है, अगर आपका पढ़ने मन नहीं लग रहा है, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका मन लगेगा। और जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, आप अपनी औकात दिखाइए, लाइफ में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब औकात दिखाने का मौका मिलता है। अगर आपको मौका मिल रहा है अपनी औकात दिखाने का, तो दिखाइए अपनी औकात, ताकि लोग भी आपको सैल्यूट करें कि हाँ उस बंदे ने बोला था तो उसने ऐसा कर दिखाया, इतनी मुश्किलों के बाद वो कर दिखाया। लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वो बंदा 2-3 असफलताओं के बाद भी हार नहीं माना, और देखो अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिली। लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दें आज के समय में, आपको पता है कि इतनी कितना मुश्किल है आज सरकारी नौकरी पाना, कितना कंपटीशन है आजकल। ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत करना बंद कर दोगे, पढ़ाई करना बंद कर दोगे। भाई जब तक आपकी एज है, जब तक आप आपके अंदर जुनून है, जोश है, तब तक आप तैयारी करोगे। एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो उसका मज़ा अलग ही है। आपको पता है ना 55 55 हज़ार सैलरी है एआरओ की, और आरओ की 60 हज़ार प्लस सैलरी है। सुनने में लग रहा है ना अच्छा, तो बस करो मेहनत। और लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए आप, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कि कैसे आएगा, प्रैक्टिकल नहीं है। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत करूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाड़ में जाए दुनिया, 4-5 महीने 1 साल खूब मेहनत करिए, दिखा दीजिए दुनिया को। आपने अपने आसपास देखा होगा, आपके दोस्तों को सिलेक्शन हुआ, आपके सीनियर का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग कहते हो हाँ यार देखो उसका सिलेक्शन हो गया। सभी का सिलेक्शन पैसे से थोड़ा होता है, 10% सीटें बिकती हैं, 20% सीटें बिकती हैं, 80% 70% तो फेयर होता है ना, बस लीजिए वाली सीट। देखिए स्ट्रेटजी वाले वीडियो की लिंक मैंने दी है नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको देख सकते हैं। और जो ये वाला वीडियो है, ठीक है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है,
आप बिल्कुल इसको देखिए। रही बात वैकेंसी की, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। आप हमारे चैनल में जुड़े रहें, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। दुनिया क्या कहती है, कौन क्या कहता है, तुम्हारा दोस्त क्या कहता है, सबको भूलो, साल भर हैं, खूब करो मेहनत, हो जाएगा सिलेक्शन, देख लेना, लोग तुमको सैल्यूट मारेंगे। ये वाला वीडियो देखो, अपनी सोच बदलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।